सहेले की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के सेमलपुरा में लोकसभा सीट की कांग्रेस उम्मीदवार मोना सुस्तानी के पक्ष में आयोजित जनसभा को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित करते हुए कहा कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ सभा करने जा रहे हैं वहां उन सीटों पर बीजेपी चुनाव हारेगी। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलती है। इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने फिर विवादित भाषण देते हुए बिना नाम लिए शिवराज सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि उनका पद जाने के बाद उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। कभी कहते हैं मैं सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा, कभी कहते हैं खंभे पर चढ़कर तार जोड़ दूंगा। मैं कहना चाहता हूं ये कमलनाथ सरकार का खंभा है, इसमें तार भी है करंट भी, जिसमें आप चिपक जाओगे। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। देख लीजिएगा 23 तारीख रिजल्ट आएगा तो जहाँ जहाँ योगी आदित्यनाथ जी जाएंगे वहाँ वहाँ भारतीय जनता समाधान के उनसे सवाल करते हैं राहुल गांधी तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसके लिए दोषी ठहराते हैं। सवाल ये है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें की, 2014 के पहले जो भाषण किए, 2019 तक एक काम नहीं किया, और 2014 से 2019 तक जो काम किए उनको देश के सामने अब बता नहीं सकते। अब बातें करते हैं वंशवाद की, राष्ट्रवाद की, हिंदू मुसलमान की, कट्टरता की, नफरत की, गणों की, बंटवारे की। साथियों आपको सबको ये विचार करना है कि देश कैसे चलेगा, प्रेम से, प्यार से, नफरत से या घृणा से।